और आप में से बहुत से लोग क्वेश्चन होने वाले हैं जो काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं कि मैंने फोन कहाँ से लिया, कितने में लिया, एंड इसका जो अडॉप्टर था उसका चार्ज कितना था, 6 GB है, 8 GB है, बहुत से क्वेश्चन होने वाले हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस अभी किसी ने ऐसा है फिलहाल अपने रूम में, और टाइम हो चुका है भाई साहब 9:45 होने वाले हैं भाई साहब, और अब तो मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं किया। वैसे इतने रात पता नहीं मेरे को ना अचानक से ना थकान चढ़ रही थी मेरे को, फिर मेरे को ये होगा कि एटलीस्ट सो जाते हैं। फिर मैंने आधा तो ब्लॉग एडिट कर लिया था, आधा भी कर रहा हूँ, तो इतने में अपने साथ चाय आ चुकी है भाई साहब, बेड पर चाय आ गई और मज़ा आ रहा है। अब चाय चुप पीते हैं, ब्लॉग एडिट करके फिर ब्लॉग डालेंगे, जान देखते हैं आज क्या करेंगे। आज मतलब मैं ना फोन का रिव्यू करने वाला हूँ कि मेरे को ऑलमोस्ट 7-8 दिन हो गए फोन यूज़ करते को, तो इसमें क्या क्या फीचर्स मेरे को सही लगे हैं और लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और बाकी कैसे मतलब परफॉर्मेंस कैसी है, कैसे काम करता है, सब कुछ आज बात करेंगे इसमें। तो भाई मस्त चाय वगैरह पी लिया और ये भाई मैंने यहीं रख दिया, चलो इसको उठाते हैं चल भाई। तो भाई फिलहाल टाइम हो चुका है 12 बज चुके हैं, तो हाँ ब्लॉग एडिट हो चुका है और मैंने अपलोड भी कर दिया है, तब से मैं अपने रूम में बैठा था। अब व्लॉग अपलोड हो चुका है ना, आपको टेंशन नहीं है भाई, मतलब पहली टेंशन नहीं होती है कि दिन की व्लॉग अपलोड कर दूं और फिर उसके बाद मैं शूट करूं। भाई ये ना कोरियर आया हुआ है तो इसको भी अनबॉक्स करना है। तो भाई बेड भी बना दिया है, अनबॉक्सिंग करने से पहले ये जरूरी है भाई। तो भाई इस वाले रूम में आ चुका हूं और सामने चल रहा है अपना व्लॉग। तो वैसे ये बिल टाइप कुछ जो काम का नहीं है, और ये आया तो भाई ये आया बेला वीटा का हेयर शैम्पू। और गाइस इस कोरियर वाले डब्बे को ना हम फेंकेंगे नहीं, क्योंकि हमको ना जरूरत है ऐसे डब्बे की, हमको ना कहीं लगाना है, तो हम सोच रहे थे कहाँ से लेके आए कहाँ से लेके आए, तो आज ये कुरियर आ गया तो ये वाला बुक्स लगा देंगे, उसकी टेप भी है तो एडजस्टमेंट हो जाएगी भाई। भाई फिलहाल टाइम हो चुका है 1 बज चुका है और मैं अब तक नहाया नहीं हूँ भाई साहब, देखो व्लॉग अपलोड हो चुका है 1 बज चुका है, मम्मी ने तो खाना ही बना दिया। और भाई ये सब तो खाना खाने भी लगे, भाई पिंकू जी क्या कर रही है, टमाटर में प्याज वगैरह डाल के और भुजिया वगैरह डाल के ये खा रही है भाई रोटी के साथ, मतलब ये भी सही है, सही है भाई। गाइस लिटरली मैंने अब तक ना मुंह वगैरह कुछ नहीं धोया, ऐसी चाय पी थी, और अपने पापा जी भी आ चुके हैं तो हाँ मैं मुंह वगैरह धो के भाई खाना खाते हैं और शाम को नहाएंगे यार अब। तो भाई मस्त ब्रश वगैरह करके मुंह वगैरह धो लिया, अब हो गया ना सोना। तो भाई इसी के साथ अपना लंच रेडी है, आज है भाई साहब पराठे, आलू की सब्जी और दाल भाई साहब। तो भाई फाइनली खाना खुना हो गया, तो फिलहाल टाइम उसका 1:30 बज चुके हैं, तो हाँ दूध वाला आ चुका है तो इसमें लेते हैं दूध। तो भाई दूध ले लिया, और भाई दूध वाला कह रहा था भाई वीडियो नहीं बनी आज। तो भाई फिलहाल टाइम हो चुका है 5:30 हो चुके हैं, और गाइस मैं अब सो के उठ चुका हूँ, मैं देखो कैसे हो रही है, सुबह नहीं नहाते बंदा तो ऐसे होता है भाई। तो भाई अब उठ चुका हूँ तो अब नहाऊंगा मैं, और गाइस अभी जैसे उठो ना तो भाई ऊपर छत का जो मौसम हो रहा है भाई साहब, लगभग सुबह ठंडा मौसम हो रहा है क्योंकि एक दो बार बीच में बारिश भी आई थी हल्की हल्की, तो मैंने आपको दिखाई नहीं, और मौसम इतना यार काला काला इतना सुहावना सो रहा है यार, आपको दिखाता हूँ, चलो ऊपर चलते हैं एक बार पहले, बिकॉज गाइज ऐसा जो व्यू होता है ना वो हमारी छत से देखने को मिल सकता है और कहीं किसी छत से देखने नहीं मिलता, इसलिए आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो भाई छत पे आ चुका हूँ और व्यू मेरे को लगा कुछ अच्छा होगा, बट यहाँ पे तो चारों ओर स्मोक ही स्मोक है गाइज, जैसे कि आप देख सकते हो भाई साहब। मेरे को थोड़ा ना जैसे मैं बैठा अपने रूम में तो मैंने ना अपने जाल से देखा, रूम के छत में जो जाल होता है ना वहाँ से देखा, मेरे को थोड़ा ना हल्का हल्का अंधेरा दिखाई दिया, मेरे को लगा मौसम काफ़ी बढ़िया हो रहा होगा, बट नहीं यार है तुम तो शाम का टाइम है बट स्मोक ज़्यादा है यार। बाकी यार हवा काफ़ी अच्छी चल रही है, और कभी कभी ना गाइज मतलब कि ऐसी छत पर आ गए ना, जैसे अब सर्दी आएगी ना थोड़ी थोड़ी बारिश भी आती है भाई साहब, सुबह छत पर आ गए या रात को छत पर आ गए जो फील आता है ना यार, मतलब मैं क्या बताऊँ मज़ा आता है। मैं तो यह सोच रहा हूँ कि मैं गिटार लेके आऊँ और कभी ना यहाँ बैठूँ छत पे और मस्त यहाँ पूरा फील लेते हुए बजाऊँ यार, पर उसके लिए सीखना पड़ेगा पहले, तो हाँ सीखेंगे और मेरे मन में भी है, तो हाँ पहले पुराना लेंगे बिकॉज फिर सीखने में ना तो नया वाला ख़राब होता है, पुराना लेके सीखेंगे देन फिर देख लेंगे यार। हाँ तो वहीं चलते हैं फिर नहाते हैं यार। तो गाइस फाइनली मैं नहा ही लिया हूँ और ज़्यादा बात नहीं की उसके बाद मैंने, और गाइस मैंने अपने लिए कॉफ़ी बना ली विद चम्मच। चल चलते हैं मेरे रूम में और करते हैं इस फोन का रिव्यू। भाई देख लो मैंने फोन पहले ही निकाल के रखा है, देख लो भाई कॉफ़ी एक बार तो गर्म है, इस पर रख देते हैं, ये मैंने इसलिए बनाई है कि मैं साथ साथ में रिव्यू करता रहूँगा और बीच बीच में ये पीता रहूँगा। गेट कर लेते हैं बंद ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। और भाई अब मेरे रूम में भी थोड़ी थोड़ी बसंट मशीन लगी यार, वो दो दो चार्जर है फोन है ये वो, तो दो फोन मतलब कि करते हैं यार, वो पानी गिलास पी के यहीं रख देता हूँ भाई मैं। और गाइस जैसे कि आपको पता है कि मैं नया वाला फोन मैंने ये लिया है सैमसंग A33 5G, और आज इस व्लॉग में हम करने जाएंगे इसके रिव्यू। आप में से बहुत से लोगों के क्वेश्चन होने वाले हैं कि रिव्यू फोन लेते ही क्यों नहीं किए, बिकॉज मैं इसको 7-8 दिन चेक करना चाहता था, बिकॉज मैं शूट करता हूँ एडिट करता हूँ फोन से करता हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ कि 7-8 दिन करने के बाद लगभग फोन का पता लग जाता है कि फोन कैसा चलने में कैसा परफॉर्मेंस कैसी है, तो हाँ आज वो दिन आ गया तो मैं इसमें रिव्यू वगैरह करूंगा। और आप में से बहुत से लोगों के क्वेश्चन होने वाले हैं जो काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं कि मैंने फोन कहाँ से लिया, कितने में लिया, एंड इसका जो अडॉप्टर था उसका चार्जर कितना था, और 6 GB है, 8 GB है, बहुत से क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि आज इस व्लॉग से आपको लगभग कवर अप हो जाएंगे। और गाइज आज के इस व्लॉग में फोन के फीचर्स के बारे में बात ना करके फुल रिव्यू के बारे में बात की जाएगी, बिकॉज
फीचर से बहुत सी बातें आपको यूट्यूब पे और पे वीडियो में मिल जाएगी। तो हाँ, आज फुल रिव्यू के बारे में बात की जाएगी, भाई मैंने क्या ऑब्जर्व किया है, मेरे एक्सपीरियंस पे, मेरे बेसिस पे मैंने कैसा देखा है भाई। और भाई मैंने सैमसंग का कोई प्रमोशन ना करके फुल अपने लेवल पे जो भी रिव्यू दूंगा वो अपने लेवल पे दूंगा। तो हाँ, फिलहाल ज्यादा बातें ना करते हुए करते हैं रिव्यू स्टार्ट। तो भाई फोन के पहले रिव्यू के बारे में बात करते हुए स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। और भाई इस फोन की जो डिस्प्ले ना, इसका भाई मैं फैन हो चुका हूँ, जो कि चलने में इतनी स्मूथ है और भाई लगभग कहीं नहीं अटकती। और जो गाइस इसकी जो रिफ्रेश रेट है ना 90 हर्ट्ज़ है भाई, सब मेरे को मुक्ति नहीं है, सबसे बेस्ट है। और भाई इस फोन की IP67 है, यानी कि पानी में ये काफी देर तक, कहते हैं कि ये 30 मिनट्स तक 1.5 मीटर पानी के अंदर रह सकता है, बट मैंने अब तक चेक नहीं किया, ना मैं करना चाहता भाई साहब। और भाई इस फोन के स्पीकर भी काफी अच्छे हैं, एक नीचे दिया हुआ है, एक बिल्कुल जहां से हम कॉल करते हैं वहां भी दिया हुआ है सब। और इस फोन की आवाज को फुल करते हैं तो सकता है भाई कुछ छोटा मोटा बूफर चल रहा है। इसकी 5000 mAh वाली बैटरी भाई साहब सबसे बेस्ट चीज मेरे को ये लगी, बिकॉज मैं करता हूँ एडिटिंग, मैं करता हूँ शूट, इसलिए मेरे को बैटरी बैकअप बहुत चाहिए। और भाई सिंगल फोन में मेरे को इतनी बैटरी मिल जाए तो मेरे को बहुत है यार। और नॉर्मल आदमी के लिए करीबन करीबन ये 1.5-2 दिन आराम से निकाल देगा यार, जो कि वो बोलते भी है, जो कि मैंने ऑब्जर्व किया भाई। और गाइस अगर बात करें इसके परफॉर्मेंस के बारे में, इसके प्रोसेसर के बारे में, इसका प्रोसेसर मेरे को ध्यान नहीं है, कोई 12 Nanox ऐसा कुछ करके है। बाकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें भाई साहब, जब मैं एडिटिंग करता हूँ ना, एक ऐप है उससे एडिटिंग करता हूँ, तो लगभग कहीं ना कहीं इंग्लिश हो जाता है, लैक हो जाता है, मेरे को ना माइनर से इफेक्ट देखने को मिले हैं, तो वो भी भाई एक्सेप्टेबल है, कोई बड़ी बात नहीं है। और बात करें इसकी कैमरा क्वालिटी गाइस, आपने देख लिया मेरे व्लॉग के थ्रू, जो इसका रियर कैमरा है 48 मेगापिक्सल का विद OIS भाई सब सुपर है, आपको इसके बारे में क्वालिटी पता लगी होगी। और सेल्फी कैमरे से नहीं बनाता बिकॉज मेरे को ना रियर कैमरे से मेरे को ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। और जो मैं वीडियो बनाता हूँ गाइस रियर कैमरे से, वो अल्ट्रा HD विद 30 FPS, जो कि यार मुक्ति नहीं है, मतलब बेस्ट है यार। और गाइस ये थे बड़े बड़े फीचर्स जो कि काफी अच्छे थे। और इसके अलावा इस फोन में और भी छोटे छोटे ऐसे फीचर्स है जो काफी शानदार और काफी बढ़िया भाई। और मैंने लगभग इस फोन के सारे फीचर्स के रिव्यू दे दिए हैं, शायद यही जो बड़े बड़े जो फीचर्स थे जिसके रिव्यू करने थे वो मैंने कर दिए हैं। इसके अलावा आपके जो क्वेश्चन थे कि मैंने फोन कितने में लिया, कहाँ से लिया, वो तो पहले वाले ब्लॉग में पता लग ही गया होगा। एंड 6GB है और 8GB है, और अडेप्टर का चार्ज कितना था, तो गाइस आपको मैं बता दूं, जो मैंने फोन लिया ना, ये लिया मैंने 22,000 का, जो कि मैंने सार से लिया, आपने शो में देख लिया होगा। एंड सेकंड थिंग, और गाइस जो अडेप्टर का जो चार्ज था वो था 1,000 रुपीज। और जो फोन है इसकी जो रैम है वो है 6GB विद 128 इंटरनल मेमोरी के साथ। ये मेरा फोन कंप्लीट हो चुका है और मैंने इस फोन का रिव्यू कर दिया। आई होप कि आपको रिव्यू अच्छे लगे होंगे। वैसे मैंने कितने डिटेल लिए आप सोच सकते हैं, बिकॉज इतना लंबा बोलना और ऐसे पहली बार ऐसे टेक्निकल बातों के बारे में बोलना नॉट सो इजी यार। तो हाँ भाई फिलहाल टाइम हो चुका भाई, 7 बज चुके हैं, वापस अपने ब्लॉग पे आ गए। तो भाई मम्मी को बना रही है खाना, तो भाई अभी खाना नहीं है, पर मैं ना मन कर रहा है कि बाहर जाके सूप पी के आऊँ, बिकॉज ठंड का मौसम हो रहा है, बाहर रेडी पे खड़े हो गए, मस्त चना सूप पियेंगे भाई। चलो तो अभी बाहर जाने के लिए ट्रैक सूट कपड़े पहन लिए, बिकॉज ठंड काफी हो रही है, बिकॉज खड़े सूप पियेंगे ना ठंड लगेगी भाई। भाई फिलहाल तो अकेला जा रहा हूँ, देख लेंगे, या तो निकले को साथ में ले लेंगे, कोई तो मिलेगा साथ में चलेंगे उसको। और ज्यादा दूर नहीं है बिल्कुल, वो पूरा रोड क्रॉस करना पड़ेगा नुक्कड़ तक, जहाँ से मैं ऑटो लेता होता हूँ वहीं है वो। तो भाई फाइनली सूप पीने आ चुके हैं और अपने साथ है योगेश। हेलो भाई। तो भाई सामने सूप की रेडी, बस इनको ऑर्डर देते हैं और मंगवाते हैं। तो भाई मस्त अपना सूप बन रहा है, हाँ चना सूप लगवाया भाई एक बार। तो भाई मस्त मेरा तो चना सूप आ गया भाई, योगेश अभी बनवा रहा अपना। तो भाई मस्त सूप पी लिया और मजा आ गया भाई, चना सूप तो वैसे बड़ी होता है और मेरे को मजा आया भाई। फिलहाल जाते हैं गोल पे खा के आएंगे भाई। तो फाइनली गोल कप रेडी पे आ चुके हैं, तो सामने योगेश दे रहा ऑर्डर भाई, भीड़ काफी आज भाई। मेरे तो गोल पे की प्लेट आ चुकी है, योगेश अपना बनवा रहा अभी, मेरे स्पेशल आना, मैंने मिर्च वाला डलवाई है भाई। तो भी मस्त हम गोल पे खा के आ चुके थे, फिलहाल घर जा रहे थे। और लिटरली गाइस मैं भूल ही गया था कि आज चिल्ड्रंस डे है यार। तो भाई चिल्ड्रंस ईयर है, हैप्पी चिल्ड्रंस डे बोल, हैप्पी चिल्ड्रंस डे बोल, हैप्पी चिल्ड्रंस डे, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। ठीक है भाई, मैं भूल गया था यार, तो आज चिल्ड्रंस डे भी है, तो हाँ भाई ये भी मना लिया। तो भाई फिलहाल अपने घर आ चुका हूँ, टाइम हो चुका है, 9 बज चुका है, और इसी के साथ अपना डिनर रेडी है भाई। तो भाई खाना खुना खाते हैं फिर करने बैठेंगे ब्लॉग की एडिटिंग। तो भाई मस्त डिनर वगैरह हो चुका है और फिलहाल टाइम हो चुका है भाई 9:30 हो चुके हैं, तो हाँ फिलहाल बैठो एडिटिंग करने। और भाई अपना दूध भी रेडी है, आज थोड़ा दूर लिया बिकॉज बिना कॉफी के मेरे को ना अच्छा नहीं लगता यार, कॉफी खत्म होगी भाई। और आज भाई मेरे को ना मेरा नया वो मिल चुका है ब्लैंकेट, पहले कंबल और ये थी लोई थी, तो हाँ आज ये नहीं, आज नया वाला ब्लैंकेट ओढ़ेंगे, और काफ़ी सॉफ्ट है भाई ये, मानोगे नहीं काफ़ी सॉफ्ट है भाई साहब, ओढ़ने में मजा आएगा भाई। चलो आज तो भाई साहब मजा जो इसे। तो भाई फिलहाल टाइम हो चुका है 12:15 हो चुके हैं, मस्त व्लॉग वगैरह एडिट हो चुका है और अपलोड भी कर दिया है, तो हाँ फिलहाल सोएंगे भाई। तो फिलहाल करते इस व्लॉग को एंड, ये था आज का व्लॉग, आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, एंड चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो लो बाय, टेक केयर, बाय गाइज़।